ओह शिट, आज भी मैंने ट्रेनिंग नहीं की। लास्ट एपिसोड में मैंने सबको बोला था कि मैं ट्रेनिंग करके आऊंगा, तब मैं राउंड 3 में जाऊंगा, लेकिन मैंने तो किया ही नहीं। अब कुछ जल्दी से सोचना पड़ेगा। सोचो रोहन, सोचो सोचो रोहन, सोचो। आइडिया। मैं सबको बोल दूंगा कि ट्रेनिंग तो नूब लोग करते हैं और हम ठहरे प्रो, हम कहाँ से ट्रेनिंग करेंगे? ब्रो भाई बर्राता सीओ भाई जान, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग फिर से खेलने वाले पोकेमॉन सोस। तो अगर तुमको लास्ट एपिसोड में आ तो हम गए थे डेस्टिनो माइन में और वहाँ पे हमको मिल गए थे हमारे मॉम के चमचे, यस हमारे सेरा के ग्रंट्स। तो वहाँ पे हमने उससे बैटल किया एंड हमने वहाँ पे सॉल्व कर दिया। वो वहाँ पे फॉसल चुराने गए थे ताकि वो फॉसल का रिकवरी कर सके एंड वो फॉसल से रिकवरी से जो पोकेमॉन आएंगे, जो कि सबसे ताकतवर पोकेमॉन रहेंगे, वो लोग उसको इक्लिप्स्ड करेंगे। लाइक सीरियसली, इतना गंदा प्लान आई वॉजेंट थिंकिंग, बट चलो ठीक है। वहाँ पे हमने थोड़े से क्वेस्ट किए थे, आज हमको जाना है अपने थर्ड राउंड के लिए एंड मैंने ट्रेनिंग वगैरह नहीं किया। सीरियसली मैं सही बता रहा हूँ, लाइक मेरा मन नहीं कर रहा था। तो फिलहाल के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि हम इसी टीम के साथ जीत सकें। आई थिंक ज़्यादा लेवल मैंने नहीं किया है, तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं अपने मेट्रो को लेके, अपने मेट्रो ट्रेन से। अच्छा यार, हमको वहीं जाना है, हमको एक्चुअली जाना है अमोस सिटी में। आई थिंक यहाँ पे तीसरा दरवाज़ा या खुला हुआ है। एक मिनट, मैंने परचेज नहीं किया यार। एक्चुअली बॉयज़, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा आइटम्स नहीं है, लाइक मेरे पास रिवाइव तो बिल्कुल नहीं है एंड आई डोंट नो कि लास्ट टाउन में जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे हमको मिलेगा कि नहीं। तो मैं वहीं से आइटम्स खरीद के फिर से यहाँ पे आता हूँ। वेट व्हाट, इतना दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई, यहाँ भी रिवाइव्स नहीं है। मेरे पास हाई सुपर पोशन तो काफ़ी है, यहाँ पे हाइपर पोशन भी नहीं है भाई। ये यहाँ का मार्ट तो और गिरा हुआ है, वहाँ पे मेरे को हाइपर पोशन तो मिल रहा था शायद से, नहीं शायद से नहीं मिल रहा था हाई वो पोशन। हम सुपर पोशन से ही काम चलाना पड़ेगा हमको। तो यार मैं फिर से पहुंचता हूँ वहीं पे। ओके, तो हम लोग फिर से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को करना क्या चाहिए। लाइक मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं किया है, मेरे पास 25 लेवल के पोकेमॉन्स लगभग में है राउंड में। मेरा लुकाडियो 28 पे है एंड रंच का तो भाई क्या ही बोलूँ। तो मैं सोच रहा हूँ रंच को मैं डिकोई के लिए रखूँ। एक्चुअली इसके पास ड्रैगन रेज भी है तो ये थोड़ा काम आ सकता है, तो वही मैं सोच रहा था क्या करना चाहिए। फिलहाल हम लोग इसको स्विच आउट कर लेते हैं किसके साथ भाई। स्टार्टिंग में कराऊँगा भाई ठनक से ही हम करवाते हैं। थोड़ा सा थानक पे मेरा को भरोसा आ रहा है, लाइक उसके पास रोअर भी है ना, तो वही माइट भी स्टार्टिंग उनको थोड़ा सा फ़ायदा दे दे। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए आई थिंक हमको इसी तरह जाना चाहिए। मेरे पास रिवाइव नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा अभी ठीक से खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक भाई रिवाइव्स तो आए नहीं हैं। ओके लेट्स सी बॉयज की क्या होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है तुम्हारा तीसरे राउंड के एक्लिप्स टूर्नामेंट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे व्यूअर्स और कंपेटिटर्स दोनों को अच्छा टाइम मिलेगा। पहला बैटल आज का, एस वर्सेस टोनी। ओके टोनी, लाइक लड़का होगा टोनी भैया, टोनी भैया आयरन मैन उससे लड़ेंगे हम। ओके आई डिडंट थिंक मेरे को चेंज करना चाहिए, आई शुड बी कॉन्फिडेंट। ऑल इज़ वेल, लेट्स गो बॉयज एंड लेट्स सी। ये तो मोहतरमा निकली, मोहतरमा है ना टोनी, आयरन मैन मोहतरमा। अरे व्हाट क्या हो रहा है मेरे को लाइक वहाँ पे वो देख के मेरे को लग रहा था मोहतरमा है नाम से एंड इसका अवतार देख के मेरे को लगा ये। अब चलो, पहले तो इसका स्टार्टर जो आया है उसके हिसाब से हमने बहुत अच्छा पोकेमॉन चुना है। लेट मी यूज स्पार्क मैन, मैंने सेव नहीं किया था भाई, ये मैंने दिक्कत कर दी। ओ शिट यार, अरे यार अब मैं क्या करूँ। मैं स्पार्क कर ही देता हूँ, वो फेंट तो हो जाएगा बट मैं सो जाऊँगा, ये दिक्कत वाली बात रहेगी। अच्छा नहीं सोया मैं, ओके निंजास भाई, मैं क्यों आई वे सॉर को ला रहा था, मेरे को लगा ये बग एन स्टील टाइप होगा। शेट, अरे यार मेरे को पता नहीं था। चलो ठीक है, जब ये आ ही गया है तो फ्लाइंग टाइप है, आई थिंक मेरे को ठनक को ले ही आना चाहिए। ओके ठनक भैया फिर से आ चुके हैं, अब ये सोएंगे नहीं, अभी इनका आँख खुला रहेगा। तो ये भी गया, नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं भैया कौन था भाई, मैंने जल्दी में स्किप कर दिया, तो आई डिडंट थिंक मेरे को स्विच आउट करना चाहिए एंड लग्जियो ही था। अरे यार ओके नेवर माइंड, लग्जियो आई थिंक आई वेस और काफ़ी रहेगा एंड ये पेंट तो जल्दी होगा नहीं, तो भाई पहले उसको सुला दे तू बहुत ही अच्छे एंड अभी मैं चाहता हूँ तू लिशिट कर दे। अरे उठ गया वो शैतान आदमी, भाई तेरे को सोना नहीं आता क्या, बढ़िया से सो जा यार। या यही तो मैं चाहता हूँ। ओके अभी मैं इस पर रेजर लीफ कर लूँ, या क्या कितनी कच्ची नींद है इसकी, एक बार सोता है दूसरे बार में उठ जाता है, मैं क्या करूँ। अरे यार ओके मैं फिर से स्लीप पाउडर कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा था यही होगा। ओके चलो अब बढ़िया है, अब मैं इस पर रेजर लीफ कर सकता हूँ क्योंकि ये सोएगा एंड अभी है या ये होता है दिमाग, देख रहे हो भाई। चलो ठीक है, लेकिन लग्जियो इतना जल्दी कैसे उठ जाता है यार, लाइक उसकी कोई एबिलिटी है क्या।
हम लोग जीत चुके बॉयज, यहाँ पे एसर हो चुका है विनर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट बैटल किसके साथ होता है, एंड हम लोग करेंगे एसर वर्सेस ली। ओके लेट मी यूज अनदर पोशन, आई डोंट नो उसके पास पोकेमन क्या होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ पोकेमन। फर्स्ट तो हम लोग एक सुपर पोशन यूज़ कर लेते हैं, आई थिंक आइवसॉर पे हमको यूज़ करना है क्योंकि और सबके तो फुल हेल्थ हैं। मैं स्टार्टिंग में आइवसॉर को इस बार चांस दे रहा हूँ, मेरे को लग तो रहा है ये थोड़ा सा रिस्की है, बट नेवर माइंड, मैं एक बार गेम सेव कर लूँ एंड दैट्स ऑल फाइन। ओके बॉयज लेट्स गो, कराटे मैन। याप, देखते हैं इसके पास कौन कौन से पोकेमन आते हैं, एंड इसके पास तीन पोकेमन है भाई। हेरक्रॉस नेक्स्ट पोकेमन है, मैंने बहुत गंदा काम किया यहाँ पे अपने आइवसॉर को लाके, बट माइट बी स्लीप पाउडर मिस नाई। अरे वो काउंटर कर रहा था ना, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ओके ले शील्ड, क्या है इनकी प्रॉब्लम, नहीं तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है ये बताओ तुम पहले भाई। यार ये इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हैं, चलो मैं कर्ण को लाता हूँ। ओके ओके काउंटर उसने किया, बहुत ही अच्छे, कोई बात नहीं, हम लोग कन्फ्यूज कर लेते हैं भाई। ओके कन्फ्यूज है, वो खुद को मार ले, वो काउंटर कर रहा है यार, मेरे को ऐसे अटैक करना चाहिए बट मेरे पास ऐसे अटैक नहीं है, मैं विंग अटैक ही करता हूँ, इस पर सुपर इफेक्टिव था। ओके ओके दैट्स गुड। डू वॉट, आई थिंक मॉशीवॉट का नेक्स्ट स्टेज है ना, तो वो एक वाटर टाइप पोकेमन है। मैं ठनक को सोच रहा हूँ लाने का क्योंकि आईवीएसआर का एचपी कम है, तो माइट भी वो फेंट हो जाए, अगर वो फेंट हुआ तो हमको बहुत दिक्कत होने वाली आगे में। ओके पैरालाइज रिवेंज यार, अरे यार ओके कोई बात नहीं, रिवेंज खतरनाक मूव था, अच्छा वो हम फेंट नहीं हुए। 23 पे हमारा रंच पहुंच चुका, बहुत ही अच्छे, हिटमॉन टॉप था साथ से, आई थिंक मेरे को कर्ण लाना चाहिए। ओके कर्ण हिपमॉन ली था मेरे को, हिपमॉन टॉप लगा, चलो कोई बात नहीं, ये ले भाई। ओके अरे यार प्रोटेक्ट, ओके ये ले भाई, चलो ये तो गया, ये इजी था यार, मतलब लेवल उसके ठीक ठाक है, मेरे को लगा थोड़ा ज़्यादा लेवल होगा उनका, बट नेवर माइंड बॉयज लेट्स सी इसका नेक्स्ट पोकेमन। अच्छा ये फाइनल है ना, किसके साथ है हमारा बैटल, अरोन, ये कौन है, अरुण, अरुण बोलूँ या अरोन बोलूँ, जो भी है। ओके मेरा पहले मेरे को हील करने दो क्योंकि ये फाइनल बैटल है, तो मेरे को पहले सुपर पोशन से हील करने दो, हाइपर पोशन अब मैच के लिए बचा के रखते हैं, यू नो मैच में हाइपर पोशन ज़्यादा काम आएगा। एंड मेरा फोर्स पोकेमन किसको रखना चाहिए, चलो गेम तो सेव कर लिया हमने, आईवीएसआर आई थिंक सही ही रहेगा, तो लेट्स गो बॉयज। यप ये है रोहन वर्सेस अरोन, हमारा थर्ड बैटल, एंड बहुत मज़ा आने वाला है बॉयज। चार पोकेमन इसके पास, डस नॉट, बहुत गंदी चॉइस है मेरी, मेरे को रखना चाहिए पहले अपने कर्ण को, आ जा भाई कर्ण, सिल्वर विंड, नेवर माइंड इस पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो पहले कन्फ्यूज़ हो जा भाई। यप यप कन्फ्यूज, चक्कर वक्कर आएंगे तेरे को, खुद को डैमेज कर ले। अच्छा अब ये भाई, चलो ठीक है, वैसे तो उसमें सुपर इफेक्टिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी फ्लाइंग टाइप पोकेमन है, बट कोई बात नहीं यार, मूनलाइट ये खतरनाक मूव है यार, मेरे को एक बार वो करना चाहिए था लेस शील्ड, उसके बाद मैं कुछ भी करता ना तो वो सही रहता। चल भाई ये तो गया, नेक्स्ट पोकेमन हम लोग देखते हैं भाई, इतना जल्दी मैं कर लेता हूँ ना, मेरे को यही नहीं दिखता कि कौन सा पोकेमन आने वाला था। ओके मेरे को लगता है मेरे को स्पीड थोड़ा कम रखना पड़ेगा, मैं एक्चुअली पीसी में बहुत कम खेलता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पहले से एंड्रॉयड में खेलते आ रहा ना, इसलिए मेरे को आदत नहीं है भाई, ये हाइपर पोशन वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं। वैसे तुमने बहुत मतलब बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भाई तू कर्ण को हटा दे, कर्ण को हटा दे भाई, लेकिन मैं कर्ण को हटाना नहीं चाहता, तुम देख सकते हो अभी कितना फ़ायदेमंद है, तो अगर मैं कर्ण को हटाऊं तो मेरे को कोई फायर टाइप पोकेमन लाना पड़ेगा ताकि वो इस सब टाइप पोकेमन के खिलाफ ठीक रहे। फिर मैं देखना भूल गया फिर से कौन सा पोकेमन था, चलो एक और बग टाइप पोकेमन सब्स्टिट्यूट, कोई बात नहीं भाई, हाइपर पोशन आ रहा है यार, चलो उसका सब्स्टिट्यूट तो गया भाई, तो ये ला यार, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना बार बार, फिर हाइपर पोशन ना कर दे। ओके चलो ठीक, रूस अरे कुछ ना कुछ इसको करना ही है, मतलब हीलिंग वाला भाई ये टफ है यार, मैं उसको कन्फ्यूज़ ही कर दे रहा हूँ। अच्छा सब्स्टिट्यूट पे कन्फ्यूज़ काम नहीं करता ना, मैं भूल गया था ये। ओके 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 चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग अभी कन्फ्यूज करते हैं, अब भाई वो कन्फ्यूज़ है, खुद को हर्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छे। ओके लिफ्ट ओवर इसके लिए आइटम सबको दिए हुए हैं यार, वो बहुत अच्छा आइटम है लिफ्ट ओवर, चलो ठीक है अभी रेस्ट, रूस्ट नहीं अच्छा ये ठीक है कन्फ्यूजन का काम आया, देखा तुमने। ओके ओके कन्फ्यूज़ काम था, एंड हमारा पॉइजन फैंग सीखना चाहता है कर्ण भाई, तो स्विफ्ट हटा दे मेरे ख्याल से तू, क्योंकि उसका तो ज़्यादा काम नहीं आता। रंच 24 पे पहुंच चुका है, बहुत ही अच्छे, सीजोर है नेक्स्ट पोकेमन, अरे भाई साहब देखो मेरे पास कोई फायर टाइप पोकेमन नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सीजोर फ्लाइंग टाइप मूव्स भी कर सकता है, लुकारियो सही नहीं है, ना ही आइवसॉर है भाई, मेरे को लग रहा है मेरे को फर्स्ट में आइवसॉर को ही रखना चाहिए। देखो अगर वो फ्लाइंग टाइप मूव करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको पहले लीशीट करना, शो डांस, अरे शिट
ये सबसे बड़ी दिक्कत है यार श्वॉर्ड डांस की। अबे यार मैं पॉइजन नहीं कर सकता उसको क्योंकि वो स्टील टाइप भी है तो मेरे को सुलाना पड़ेगा इसको। आई सोचा बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, ओके बहुत ही अच्छे भाई। अब इसे सुपर इफेक्टिव मूव या फिर कोई अच्छा मूव कौन कर सकता है? आई थिंक थनक कर सकता है। लाइक उसके पास इलेक्ट्रिक टाइप मूव है जो कि उतना तो ज़्यादा नहीं बट ये ठीक ठाक रहेगा। ओके ओके, अरे यार मैं हराने ही वाला था उसको। नेवर माइंड, ली शीट अपना काम कर देगा अगर मैं यहाँ से कुछ भी करूँ। आई एम गोना यूज थंडर पंच नहीं, चलो भाई हम जीत चुके हैं। एंड यहाँ पे हमको हमारा मिरन मिल चुका है हमारे थर्ड राउंड का, जो कि है हम, अरे रंच इवॉल्व हो रहा है, वाह भाई। अरे यार चलो ठीक है, थोड़ा लेट से इवॉल्व होता है यू नो, थोड़ा इसका लेवल ज़्यादा लगता है इवॉल्व होने के लिए, बट दैट्स नोइस। हमको मिलेगा अभी गे वाइट, दैट्स एक्चुअली गुड। चलो भाई अभी तो गाचम का इंतजार है एंड मैं इसको रख रहा हूँ सिर्फ एक रीज़न से, क्योंकि इस गेम में साथ से ये इक्लिप्स फॉर्म में हो सकता है जो कि भाई मेरे को जरूर से ज़रूर देखना है, इसलिए मैंने इक्लिप्स पीजी को हटा दिया, अदरवाइज मैं उसको रखने वाला था। बट चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जीत चुके हैं इस राउंड में, तो हमको नेक्स्ट राउंड के लिए थोड़ा इंतजार करना है। हम जीत चुके थर्ड राउंड को, तो फिलहाल के लिए मेरे को कहाँ जाना चाहिए पहले तो हम आगे चल के देखते हैं। ओके हमको एक मैसेज मिला आई थिंक सो ईवो के तरफ से, सर आई हेड राउंड 3 हैज एंडेड, आई होप यू आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, एनी वेज आई वुड लाइक यू टू मीट इन जैरो टाउन। ओके जैरो टाउन कहाँ पे अभी? देर इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग आई वुड लाइक टू शो यू, यू कैन रीच द टाउन फ्रॉम रूट 12। अच्छा रूट 12 मेरे ख्याल से यहीं पे है ना, मेरे को उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को एक्चुअली रूट 12 के लिए इधर साइड से जाना है। लाइक रास्ता साइड से इधर साइड से था, आई मीन रास्ता मेरे ख्याल से इधर साइड से था रूट 12 के लिए। ओके पहले तो यहाँ पे हम लोग पोकेमॉन हील करा लेते हैं, पोकेमॉन सेंटर यहीं पे था कहीं पे, अरे मैं भूल जाता हूँ कहीं पे, अच्छा यहाँ पे था, ये पी टैक्सी वाला है, पी टैक्सी। ओके पहले नर्चा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पोकेमॉन हील करने के लिए। तभी हमको फिलहाल के लिए रूट 12 की तरफ से निकलना है, आई थिंक सो रूट 12 इधर साइड से था माइट बी। अच्छा एक्चुअली सबसे ये एंड में है रूट 12, चलो ठीक है बॉयज हम लोग फिलहाल के लिए चलते हैं। भाई आज तो वैसे तुम्हारी सो रहा है थोड़ा सा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं रूट 12 में, मेरे ख्याल से हमको इधर साइड से जाना ही होगा, और तो कोई रास्ता नहीं है भाई यहाँ पे। अंकल जी यानी यहाँ पे ऑफकोर्स ट्रेनर से भाई तो बचने में मतलब क्या ही बोले तुमको, तुम जल्दी बच के नहीं निकल सकते यहाँ पे भाई रॉक टूम। अरे यार ओके ओके नेवर माइंड, चलो ठीक है ये तो गए। नेक्स्ट पोकेमॉन एक्चुअली मैं इसको जल्दी से हराने की कोशिश करता हूँ, क्वैक्सार यहाँ पे है ना, आई थिंक क्वैक्सार के लिए तो एक मूव काफ़ी रहेगा। नहीं ओके ओके अभी तो एसेट एस डिफेंस बना रहा है भाई, मैं अटैक कर रहा हूँ तो उस बनाने कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ओके हमारा ओमेस्टर है नेक्स्ट पोकेमॉन, आई डिडंट थिंक मेरे को चेंज करना चाहिए, वाटर एंड रॉक टाइप है वो, रोल आउट भाई। ओके अरे थोड़ा सा बच गया, इसके पास विक अटैक नहीं है नहीं तो हम जीत सकते थे, बट चलो ठीक है। आई एस और भाई तूने तो ठीक काम किया है बट तेरा एच पी कम है। अच्छा ये अंकल जी बैटल करने वाले नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्टली वहीं पे रुक रहा था। ये है बॉटम ऑफ द माउंटेन चेस्ट, इट्स अ ह्यूज माउंटेन सिस्टम लाइंग अक्रॉस द कंटिनेंट, नो जस्ट इन ह्यूपेस्ट बट रीजंस ऑल ओवर द कंटिनेंट। आहा ओके चलो ठीक है भाई, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे को बस ट्रेनर्स ही ट्रेनर्स मिल रहे हैं। ओके ऑल्स फाइन, मैंने सबको सुपर पोशन दे दिया है, तो फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं। इधर साइड भी रास्ता है अंकल जी, पीछे से आई थिंक। अच्छा अंकल जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, तुम इस गेम में चाहो तो मैट्रिक्स को स्केप कर दो। अच्छा हाँ तुमने एक बार बोला था भाई, तो दौड़ने का कोशिश मत कर। लाइक मैं बी बटन अपना क्लिक नहीं करता फिर भी इस गेम में हो जाता है, अरे मैं दो बार ली शीट क्यों कर रहा हूँ भाई, अभी मेरे को इसको सुलाना है। व्हाट क्रिटिकल हिट, नहीं यार क्रिटिकल हिट के कारण ये सारा चीज़ हो गया, बट आई थिंक लुकारियो यहाँ पे सही रहेगा। लुकारियो के पास आई थिंक आइस पंच है ना, या पी आप डबल के, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डैट वॉज सुपर इफेक्टिव, बट आइस पंच ये एक बार में जाएगा। चलो भाई हम लोग इधर चल के देखते हैं, इधर साइड ट्रेनर्स ही ट्रेनर्स है भाई, बस ट्रेनर्स ही ट्रेनर्स हैं। एक्सप्लाउड है भाई, तू फोर्स फार्म ले, एक बार में गया। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन भाई देखते हैं, यह है सैंचरू हमारा, आइस पंच इस पर काफ़ी रहेगा, जो सुपर इफेक्टिव है बट नहीं नहीं, अरे हम पे भी सुपर इफेक्टिव है यार वो, उसका ग्राउंड टाइप मूव्स एक्चुअली। मैं करंट को ला रहा हूँ भाई, विंग अटैक कर दे, स्विफ्ट अटैक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये ले चलो ठीक है। नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं उसका कौन है, ग्रैंड बल। ओके मेरे ख्याल से वो फेरी टाइप है ना,
तो फेरी टाइप एक क्या सुपर इफेक्टिव रहता है, लाइक बग टाइप। मेरे पास वो तो मूव है ही नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट को ही रखता हूँ। हम लोग फिलहाल के लिए कर लेते हैं। अच्छा, पॉइजन टाइप इसमें सुपर इफेक्टिव है क्या? मैं पहले तो ये कन्फ्यूज रे कर देता हूँ इस पर, ताकि वो खुद को थोड़ा मोड़ा हीट कर दे, एंड हम लोग पॉइजन फेंक करके देखते हैं। अच्छा, सुपर इफेक्टिव था, मेरे को ये भी नहीं पता था। ओके चलो, वो पॉइजन हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है। चलो ठीक है भाई, वो तो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाउन वैसे रिवाइव मिलना चाहिए यार, वो दिक्कत पैदा करते हैं नहीं तो। अच्छा, यहाँ पे और ट्रेनर्स है थोड़े से, उसको भी हम सह लेते थोड़ा सा। माचो भाई, अरे एक बार मैं अपने लुगारियों को एक सुपर पोशन दे दूँ, नहीं तो दिक्कत हो सकती है हमको। अच्छा, उस पर सुपर पोशन यूज़ कैसे हुआ यार, मैं किस पे यूज़ कर रहा हूँ? ओके, मैं कर्ण को भी दे देता हूँ, माइट भी वो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि कर्ण भी काफ़ी काम आ जाता है इन बैटल्स में। ओके बॉयज, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और ट्रेनर है, एंड हम लोग यहाँ पे आइस पंच कर लेते हैं। हाँ, डिटेक्ट कर लिया उसने, थंडर पंच ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आइस पंच भी इफेक्टिव है ही, दोनों का वैसे भी सेम ही डैमेज है, तो उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट नेक्स्ट पोकेमॉन हम लोग देखते हैं, जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। ओके, पोस्ट पाम। अच्छा, ये लगता है मेरे को गोस्ट टाइप है। भाई मैं आइस पंच करने वाला हूँ, दैट वाजंट सुपर इफेक्टिव मैन। मेरे को लगता है पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। इन सब सिचुएशन में कर्ण काफ़ी अच्छा रहता, कर्ण के पास क्योंकि बाइट है ना। ये ले भाई, सुपर इफेक्टिव था बुल बीम। तो भाई कन्फ्यूज हो जा, पहले खुद को थोड़ा हिट कर ले। या यही तो मैं चाह रहा था, बाइट। अरे यार, डिजेबल्ड नहीं है। ओ शिट, मैं विंग अटैक से साथ ही जा रहा हूँ। चलो ठीक है, बहुत ही अच्छे, देख रहे हो भाई कर्ण कमाल कर रहा है यहाँ पे। ओके, आई थिंक आई शुड चेंज माई पोकेमॉन, क्योंकि मेरे पास पोशंस ख़त्म ना हो जाए मेरे को। तो मैं एक बार पोकेमॉन स्विच आउट कर लूँ। मैं रंच को रख सकता हूँ, क्योंकि रंच को मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, तो आई थिंक ये बेटर टाइम रहेगा। थोड़ा सा उसको ईएक्स भी मिल जाएगा, इधर साइड से तो वही रास्ता निकलता है। अगर हम ऊपर साइड जाते हैं तो यहीं से हम आ जाते हैं, तो आई थिंक मेरे को इधर साइड चलना चाहिए, क्योंकि वो दोनों रास्ता ज्वाइंट है, तो माइट भी उनको नीचे से ही जाना पड़ेगा। माइट बी, आई डोंट नो, पहले इधर चल के देखते हैं कुछ छूट। अच्छा, इधर एक पोशन था। ओके, तो रास्ता मेरे ख्याल से उधर साइड ही निकलेगा, इधर साइड कोई रास्ता है ही नहीं। लेट मी सी भाई, बस वो अंकल जी बैटल ना करे मेरे को तो। भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, इतनी जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ ना, बस बैटल हो जाते हैं। ओके, ये पॉइजन एंड फाइटिंग टाइप है, लेट मी यूज़ अनदर ड्रैगन रेयर। नहीं यार, खुद को हिट मत कर यार स्वैगर। शिट, ये ले भाई, अभी मैंने मेरा वो अटैक बढ़ा चुका है, तो आई थिंक सैंटूम का ज़्यादा डैमेज पड़ेगा ये। अब दैट वॉज सुपर इफेक्टिव एंड वो फर्स्ट टाइम में ही गया। हलूचा नेक्स्ट पोकेमॉन, आई डोंट थिंक मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक वो फ्लाइंग टाइप नहीं, फाइटिंग एंड फ्लाइंग है क्या, मेरे को ध्यान में नहीं है, मैं यही कर रहा हूँ। सैंटूम वो इफेक्टिव नहीं था, मेरे को लग रहा था फ्लाइंग टाइप भी है वो। तो हम लोग अपने ठनक को ले आते हैं भाई, एरियल स्पेस इफेक्टिव नहीं है ज़्यादा। ये ले, ओके एरियल इस, कोई बात नहीं, तो ये ले भाई। चलो ठीक है, हम वॉइस हम यहाँ पे जीत चुके हैं। फिलहाल मैं यहाँ से नीचे जा सकता हूँ, मेरे को नीचे जाना नहीं है, ऊपर में को जाना है। यहाँ पे एक और अंकल जी हैं। अंकल जी बताओ कौन कौन से पोकेमॉन आपके पास, सबको हम हरा देंगे। मेरे को सैंटूम करना चाहिए यहाँ पे, वो सुपर इफेक्टिव है, फंस चुका है वो, बिल्कुल जाल में हमने फंसा लिया है। तो हम लोग फिलहाल के लिए कर लेते हैं ड्रैगन रीच, बहुत ही अच्छे। एक और मूव अंकल जी, ये ले। ओके, हम जीत चुके हैं। नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं उसका कौन है। क्लैंग, कौन सा क्लैंग, कौन सा पोकेमॉन है भाई? अच्छा, क्लिंकी का नेक्स्ट स्टेज है ना ये, या आई थिंक ये स्टील टाइप पोकेमॉन है। तो मेरे को लगता है मेरे को यहाँ दिक्कत होने वाली है, मेरे पास कोई फायर टाइप पोकेमॉन नहीं है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अरे यार, मैं किसको लाऊँ अभी? रंच भाई, मेरे को लगता है तेरे को टट्टा भाई भाई हो सकता है यहाँ पे, बट हिम्मत मत हारना। अरे अप्रोर, ओके ओके, मेरे को लगता है मेरे को सुपर पोशन यूज़ कर लेना चाहिए एक रंच पे। ओके अप्रोर भाई, अप्रोर काफ़ी डैमेज दे रहा है। शिट, अब मेरे को लगता है मेरे को ड्रैगन रेंज करना पड़ेगा। ये ले, याप याप, बहुत ही अच्छे। चलो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तो हम जीत चुके हैं, यहाँ पे एक और भैया जी हैं। भैया जी के पास एक ही पोकेमॉन है, काफ़ी अच्छा। हम लोग कर लेते हैं सैंटूम, मेरे को लग रहा है ये फेंट ना हो जाए, बस इसका कम एचपी है मेरे को लग रहा था यार। ओके कोई बात नहीं, लुकारियो भाई आजा। आई थिंक वो नॉर्मल टाइप है, तो मेरे ख्याल से एक फाइटिंग टाइप मूव उसके लिए काफ़ी रहेगा। नहीं, अरे यार व्हाट, ये मैंने गलती कर दी। ओके ओके, मेरे को थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। विंग अटैक भाई, तू तो गया, मेरे को अब थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। मैं क्या ध्यान से खेल रहा हूँ? ओके, वाटर पल्स भाई कर दे, कर दे भाई, ये मेरा ऑर्डर ही नहीं मानता। आई कर दे यार, आईसी विंडो से मेरे बाबले लड़के। अरे मूव तो कर दे तू, क्विक अटैक यार, क्विक अटैक यार। अरे यार, अरे यार, क्यों क्यों, कितना देर से पछतावा करना था मेरे को, क्या कर दिया मैंने। ओके, अभी कौन सा बुक मैंने, मेरे को लगता है फिर से रॉक टाइप ही आएगा। अच्छा, डिगलेट है ना, आई डिडंट थिंक मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है। भाई कर दे,
भाई कर दे मूव। यप यार ये फिल्मसार मेरे को मरवा के छोड़ेगा लड़का भाई। ओके वहाँ पे नीचे में एक क्वेस्ट करने वाला है, बट उससे पहले मेरे को लगता है मेरे को एक सुपर पोशन यूज़ कर लेना चाहिए। मेरे पास ज़्यादा सुपर पोशंस भी नहीं बचे हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहेगी। नहीं मेरे पास रिवाइव से तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता अभी। मेरे को पोकेमॉन सेंटर जाना पड़ेगा उस सिचुएशन में, बट आई डोंट नो यहाँ पे एक अंकल जी हैं, देखते हैं अंकल जी के पास क्या है, मतलब क्या ही क्वेस्ट है इनका, क्या ही इनकी समस्या है। ओह नो आई कांट आस्क हर आउट लाइक दैट। यही तुम पक्का ही एक पोकेमॉन ट्रेनर होगे, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने एक बुके बनाया था अलग अलग फ्लावर्स का एक लड़की के लिए, आइल जिसको मैं पसंद करता हूँ। जब मैं अमो सिटी जा रहा था उसको विजिट करने के लिए तेज़ हवा चली और वो फ्लावर्स उड़ गए। आई वॉन्ट टू आस्क यू टू हेल्प टू कलेक्ट द फ्लावर्स प्लीज़। ओके 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 हम इसी के लिए तो बैठे हैं भाई तेरे लिए यहाँ पे। तो हमको 6 मिशन मिल चुका है, हमको 6 फ्लावर, ओके हमको 6 फ्लावर को ढूंढना है, 6 मिशन नहीं मिला हमको। ये रॉक अभी भी हार्ड है, मेरे पास रॉक स्मैश नहीं है, नहीं तो मैं वो ले सकता था। अब फ्लावर्स को ढूंढना है तो ये अब हम लोग देखेंगे। अमो सिटी के रास्ते में उसने बोला ना, इधर साइड से कोई है क्या अरे अंकल जी इसी वक्त क्यों मर गए? ओके इनके पास एक ही पोकेमॉन है, आई थिंक मैं इनको हरा सकता हूँ। हम लोग स्पार्क करते हैं पहले। ओके यार स्टील टाइप इसके पास है, आई थिंक मेरे को बाइट करना चाहिए। दैट वॉजन सुपर इफेक्टिव मैन। ओके डैट वो सुपर इफेक्टिव क्योंकि ये साइकिक टाइप भी है, बट इसका डिफेंस काफ़ी अच्छा है, वो हमको दिक्कत दे सकता है। अब तो दिक्कत हो गई भाई, मेरे पास एक ही पोकेमॉन बाकी है। आई थिंक मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा पोकेमॉन सेंटर। ओके 28 लेवल पे हमको हमारा कर्ण पहुंच चुका है। ओह कर्ण इवॉल्व हो रहा है, दैट्स नॉइस बॉय, आज का दूसरा एवोल्यूशन। एंड कर्ण भैया तेरे लिए तो मैंने काफ़ी इंतजार किया है। एंड ये वी गो मैन, हमको मिल चुका है हमारा क्रो बैट। चलो फिलहाल के लिए लोग आगे चलते हैं। वहाँ पे एक मोहतरमा है इस रास्ते से, नहीं ओके ओके आई डिडंट थिंक ये कोई दूसरी वाली ही होगी। अरे अरे चलो ठीक है अब मेरे को बस इसको हराना है। दिक्कत हो गई भाई, भाई साइथर बहुत खतरनाक पोकेमॉन है यार। अरे यार मेरे को जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि नर्स जो है आगे में है, तो आई थिंक आपको फ़ायदा दे सकती है, बट मेरे को थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा भाई। कर दे यार प्लीज़ फिमजार। अरे यार ये नहीं करेगा, मेरा बात ही नहीं सुनता ये। सही जो भरोसा अब कर्ण पे भरोसा है और किसी पे नहीं है, तो भाई पहले कन्फ्यूज़ कर दे प्लीज़। ओके ये कन्फ्यूज़ हो गया। अभी मैं पॉइजन फेंक करके ये देखना चाहता हूँ कि ये पहले पॉइजन होता है कि नहीं। ओके 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 बॉयज ओके बॉयज ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब फिर से हम लोग यही करते हैं, विंग अटैक। अरे यार क्रिटिकल हिट लगने की क्या ज़रूरत थी, मेरे को सुपर पोशन यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पोकेमॉन मार किया है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन, चलो ये बग टाइप है, बग टाइप है तो मेरे ख्याल से हमको एक विंग अटैक लगेगा इसको हराने के लिए। चलो ठीक है प्रोटेक्ट काम नहीं किया भाई, एक और प्रोटेक्ट कोई बात नहीं, तू ये ले। अरे कितना प्रोटेक्ट करेगा तू, प्रोटेक्ट करते करते मेरा दिमाग ख़राब कर देगा। चलो ठीक है हम पहुंच चुके 29 लेवल पे। यहाँ पे इसका फोर्ट्रेस है ना, आई थिंक मेरे को एक और विंग अटैक करना चाहिए भाई। पैरालाइज नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को पहले पैरालाइज हील है, मेरे पास 5 है। ओके अरे व्हाट ये क्या कर रहा है नीचे पावर। चलो ठीक है उसका नेचर पावर मिस हो गया जो भी कर रहा था वो, हम लोग फिलहाल इसको कन्फ्यूज करते हैं। बहुत ही अच्छे, इट हर्ट हिमसेल्फ। एंड हम लोग कर लेते हैं पॉइजन फैंग, माइट भी अगर पॉइजन हो गया तो भाई उसके लिए बल्ले बल्ले हमारे लिए रहेगा। अरे इसका आई थिंक एबिलिटी कोई क्या कि ये पैरालाइज कर दे रहा है बार बार। मैं एक बार पॉइजन फैंग फिर से करके देखो। अच्छा वो इफेक्टिव नहीं है उस पर, मैं तो भूल ही गया था यार स्टील टाइप है। क्या कर रहा था मैं बकवासीज, इतना अच्छा मैं कब से खेलने लगा। ओके चलो ठीक है हम लोग जीत चुके बॉयज। एंड हमारी प्यारी प्यारी नर्स जो है हमारी मुसीबत में साथ देने के लिए यहाँ पे। व्हाट व्हाट ये नर्स जो है नहीं है। अरे नर्स जो ही है बट नहीं यार, नहीं नर्स जो है ऐसा मत करो यार, ऐसा न्याय मत करो हमारे साथ यार। ये क्या है क्यों है ये? मेरे पास पोशंस है क्या? मेरे पास पैरालाइज ही है, मेरे को पहले वो करना चाहिए, सबसे बढ़िया तो वही रहेगा पहले, बस वो ज़्यादा डैमेज ना दे। मिनिमाइज ओके ओके पॉइजन फेंक करने जा रहा हूँ। मिस प्लीज़ मेरे पास बहुत कम है, मैं पहले इसको कंफ्यूज करता हूँ। कंफ्यूज भाई खुद को हर्ट कर ले। पॉइजन फेंक ओके, पॉइजन फेंक से काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ रहा है। यही तो दिक्कत है कि ये सॉफ्ट बॉइल कर लेती है। अरे यार मिनिमाइज हमको दिक्कत पैदा करने वाला है, मुझको पता है। बाइट करो पहले।
अरे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा मिस। भाई विंग अटैक कर दे। अच्छा ठीक है, विंग अटैक से काफी डैमेज हुआ। हाँ भाई हम जीत गए। अच्छा आई थिंक उसका डिफेंस काम नहीं करेगा। बेटर याप 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 नाजवाय आप देवी हो भाई, लेकिन ये देवी थोड़ी थोड़ी देर के लिए काल बन जाती है। आई थिंक ये सारा वेलोरा के कारण हुआ है, थोड़ा जेलस फील कर रहे होगी नाजवाय। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पेंचे में भाई मेरे को तेरे को नहीं पकड़ना, मेरे को आगे जाने दे भाई। अच्छा ये इधर मूर्ति है मेरे को लग रहा था, मैं कैसे पास करूँ यार इन ट्रेनर से। चलो भाई हम जीत चुके हैं, यहाँ पे एक और अंकल जी हैं, आई डिडंट थिंक ये बैटल करने वाले हैं, बट चलो ठीक है हम एस्केप करते हैं इनको और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या हमको मिलेगा। इधर साइड से जा सकते हैं ना, वहाँ पे अंकल जी फिर बैटल करेंगे। भाई यहाँ पे काफ़ी सारे बैटल्स हैं लाइक। ओके ओके नेवर माइंड। चलो भाई हम जीत चुके फिर से एंड अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक रास्ता पास ही होना चाहिए एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे जैरो टाउन में। ओके ओके अरे ये कौन है अब, अरे सिंधिया यहाँ पे क्या कर रही है लाइक आई डोंट नो। मुझे माफ़ कीजिएगा मैम। माई अच्छा अभी इसका नाम रिवील नहीं हुआ, मैंने सो सॉरी मैंने नाम रिवील कर दिया। ओके माई डू आई लुक दिस ओल्ड ऑलरेडी। अरे अच्छा तू यंग है, तू यंग है मेरे को लग रहा है, अब तू यंग है, माफ़ कीजिएगा मेरे को बस। तुम ऑफली फैमिलियर लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? एक्चुअली मेरा नाम एसर है अगर आप माइंड ना करो। ओ आई न्यू आई सो यू समवेयर। अच्छा मैंने तो आपने मुझको वहाँ टूर्नामेंट में देखा होगा बैटल सेंटर में। मेरा नाम है सिंधिया और मैं हूँ चैम्पियन सिनो की। अरे भाई भाई साहब चैंपियन से हमको मिलने का मौका मिला, वो भी सिनो का। आगे हम सिनो का गेम भी खेलने वाले हैं डायमंड पल, तो उसका भी इंतज़ार करना। मैंने इसके बारे में सुना था, सिनो के बारे में बहुत पहले इस लाइक पाल भी तो वहीं का था ना, पाल जिससे हमने अभी बैटल किया था कुछ दिन पहले। ओके एनीवेज आई वाज इनवाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट टू वॉच द एक्लिप्स टूर्नामेंट। आई केम टू दिस टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ एंशिएंट यूपीस्टियन रूइंस, दैट्स व्हाई यू वेयर सो फैमिलियर। मैंने तुम्हारा बैटल देखा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्हारा बैटल स्टाइल ने मेरा अटेंशन पा लिया। यू सीम्स टू हैव ग्रेट पोटेंशियल एज अ पोकेमॉन ट्रेनर। अरे इतनी तारीफ भाई, इतनी ज्यादा तारीफ। मैंने ऑल्सो नोटिस किया कि यहाँ पे और भी बहुत सारे अदर्स हैं, नॉट एज प्रोमिसिंग हाउएवर। यप यप जो भी। ओके वहाँ पे एक ब्लॉन्डी किड है वायलेट में फॉर एग्जाम्पल, उसके पास काफ़ी अच्छा सेंस है स्ट्रैटेजी का, लेकिन वो थोड़ा गर्म दिमाग वाला है। यप ऑफ कोर्स। वहाँ पे एक और ब्लू हेयर्ड गर्ल है जिसका बैटल करने का तरीका काफ़ी अच्छा है, बट सी इज़ नॉट बोल्ड इनफ। अच्छा वो बोल्ड नहीं है ना, ये बात है। ओके ओके मतलब भरोसा थोड़ा कम है उस पर। सी इज़ टॉकिंग अबाउट फिरो एंड वेलोरा। अच्छा या पिया वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पहले से ही पता था। ही बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ग्रेट गुड लक इन द फ्यूचर एज वेल यंग ट्रेनर। ओ यहाँ पे लेट मी गिव यू दिस। क्या है हमको मिला? ओल्ड की स्टोन, वॉट इज दिस मैन? आई होप टू सी मोर स्पेक्टिकुलर बैटल्स फ्रॉम यू इन द फ्यूचर, टेक केयर। ओके तो हमको एक्चुअली एक चीज़ मिला है, ओल्ड की स्टोन, आई थिंक उससे मेगा इवॉल्व कर सकते हैं वॉल्ट। लेट मी सी, मेरे आइटम्स पैक में होगा ना, यहीं पे तो होना चाहिए वो, लाइक होना तो चाहिए। अच्छा यहाँ पे ओल्ड की स्टोन, अ वर्चुअल आइटम दैट इज़ नीडेड टू कीप अ स्टोन टावर फॉर कोलैप्सिंग। एंड यहाँ पे ये कुछ हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो कुछ इसका स्पेशल चीज़ हो सकता है, माइट बी स्पेशल हो। ओल्ड की स्टोन, भाई की स्टोन तो मेगा इवॉल्व करवाने के लिए होते हैं, आई डोंट नो अब इसी तरह का कुछ होगा। बट आज के लिए तो मैंने काफ़ी खेल लिया है, तो आई होप तुमको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगला एपिसोड देखने के लिए। बाय द वे यहाँ तक देखने के लिए अरिगातो।